हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आज आप जानेंगे कि कोई भी यूपीएस, ठीक है, जब एकदम खराब बैकअप देने लगे, बहुत कम, इसको जैसे देखिए, एक 9 वाट की एलईडी बल्ब भी 2 सेकंड नहीं चल पा रहा है, इतना बुरा बैकअप हो गया, इतना खराब बैकअप हो गया, ठीक है। तो जब भी आपके भी कंडीशन में यही होता है, आपका यूपीएस एकदम खराब बैकअप देने लगता है, आप सोच लीजिए कि 9 वाट की एलईडी इतनी कम चल रही है, तो और कुछ चलाने पर क्या होगा। देख लीजिए, मात्र मैंने एक ही लगाया है, सिर्फ एक होल्डर लगाया है जिसमें आपकी 9 वाट की एलईडी लगे हुए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको खोल लेना है, ठीक है। खोलने के बाद, ठीक है, बैटरी डायरेक्ट नहीं बदलना है आपको, आपको बैटरी डायरेक्ट नहीं बदलना है, ठीक है। इस बैटरी, ये भले ही आपको ड्राई सेल बैटरी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसमें डिस्टिल वाटर, ध्यान दीजिए, डिस्टिल वाटर, कोई एसिड आपको नहीं डाला, किसी भी कंपनी का यूपीएस हो, सभी कंपनी के यूपीएस में ये लागू होगा, ठीक है। जैसे आपने इसको हटाया, इस कवर को, ड्राई सेल में भी कैप आपको दिखने लगा जहाँ से आप इसमें पानी डाल सकेंगे। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, सभी में 2 ml डिस्टिल वाटर लेना है, ठीक है, डिस्टिल वाटर 2 ml लेना है, 2-2 ml सब में डालना है, ठीक है। तो एक एक करके आपको सभी में, 6 है, 6 में 2-2 ml डाल लेना है, सभी में डाल देने के बाद फिर अच्छे से आपको सभी कैप लगा देना है, और कैप लगाने के बाद फिर से इसे भी चिपका देना है, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका बैकअप बिल्कुल पहले जैसा हो चुका है, ठीक है। आप एक बार दो बार पानी डालने के बाद तक बैटरी को चला सकते हैं, जैसे अभी फर्स्ट बार मैंने पानी डाला है, ठीक है, तो 2 बार तक चल जाता है बैटरी, उसके बाद बैकअप उतना बेहतर नहीं हो पाता, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद अभी भी कोई सुझाव या कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा सा किसी भी ग्लू से आपको हल्का सा चिपका लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से जैसे आपने इसको खोला है वैसे असेंबल कर देना है, और करने के बाद मुझे आप बताइए कि आपके भी यूपीएस, ठीक है, या फिर और भी यूपीएस टाइप कन्वर्टर या जो भी जिसमें बैटरी इनबिल्ट होती है, उसका बैकअप बढ़ा या नहीं बढ़ा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।